बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स द निवेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र ₹5 में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सबसे स्कूली स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन। कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनीली बाइक मोटर्स, गोंडिया रोड, एफसीआई गोदाम के सामने, कोसनी बालाघाट। कॉन्टेक्ट डिटेल 9424969460@77002901। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार आईसीएमआर लैब जबलपुर से प्राप्त रिपोर्ट में दसौर बालाघाट की ट्रू नॉट लैब से कल रात में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 2 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन मरीजों की ट्रेवल हिस्ट्री एवं कॉन्टैक्ट डिटेल पता लगाई जा रही है। सोमवार को रात 10 बजे प्राप्त रिपोर्ट में जिन 10 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है उनमें अधिकांश मरीज वारासिवनी तहसील के ग्राम हुड़की टोला के निवासी है जो पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए मरीज के संपर्क में आए थे। इन मरीजों को उपचार के लिए कोविड अस्पताल बूढ़ी में भर्ती किया गया है। वहीं 23 अगस्त की रात्रि में जिस महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है वह उपचार कराने के लिए श्रीवास्तव नर्सिंग होम बालाघाट में आई थी। उसके बाद वह गोंदिया उपचार कराने के लिए गई। इसके कारण डॉक्टर श्रीवास्तव के क्लिनिक को भी सील किया गया है। वही कटंगी से जिस मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उसकी बहन के नर्मदा नगर बालाघाट स्थित मकान को भी सील किया गया है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग बिना प्रमाण वाले वीडियो को शेयर करके लोगों में दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो आज सोशल मीडिया के व्हाट्सएप और फेसबुक में देखा गया है जिसे कई लोगों ने बिना प्रमाणीकरण के ही शेयर करते हुए लांजी क्षेत्र के रिसेवाड़ा का वीडियो बताया जो कि पूर्णतः गलत है। हमने वन विभाग के अधिकारियों से इस विषय पर मोबाइल से चर्चा करते हुए वीडियो की पुष्टि की जिसमें लंबे बाल वाले सिंह का वीडियो गलत पाया गया है। यह वीडियो गुजरात का है जिसमें कुछ लोगों ने बालाघाट जिले की भाषा का प्रयोग करते हुए ऑडियो मिक्सिंग करने के बाद इसे शेयर किया है जबकि बालाघाट जिले में वन्य प्राणी सिंह पाए नहीं जाते हैं। इसीलिए लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। लोग गलत जानकारी शेयर करके भ्रम और झूठी अफवाह फैलाकर भय का माहौल बना रहे हैं जिससे लोगों को सतर्क रहना अति आवश्यक है। निखिल चुप रह रहे भाई, अब जाएंगे नहीं कभी। अबे निखिल हट ना बे, चुप शांत रह, अबे मुझे रहा है, रुक जा, चुप एकदम चुप चुप, कुछ मत बोले, शांत रह, चल जाएंगे अपन, चल 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 चल। अवैध शराब के विनिर्माण, परिवहन एवं विक्रय की रोकथाम के लिए कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देशन एवं विनोद खटीक जिला आबकारी अधिकारी के मार्गदर्शन में जिले भर में व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत आज 24 अगस्त 2020 को मुखबिरों से प्राप्त सूचना पर जिले की संयुक्त टीम द्वारा व्रत बालाघाट के ग्राम हीरापुर, भरवेली, मानेगांव, सुरवाई एवं लांजी व्रत के ग्राम मोहजरी में छापामार कार्रवाई की गई और सघन तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान 1,38,000 रुपये की अवैध शराब एवं महुआ लहान जब्त किया गया है। बताया गया कि अवैध शराब बनाने के लिए तैयार 30 मटकों में रखा 1,050 किलोग्राम महुआ एवं एक जरीकेन में 10 लीटर हाथ भट्टी शराब बरामद भी हुई है। महुआ लहान का सैंपल लेकर मौके पर नष्ट किया गया। आसपास आरोपियों की तलाश की गई। इसी प्रकार लांजी व्रत के ग्राम मोहजरी में कार्रवाई के दौरान नाला व जंगल में 5 प्लास्टिक के ड्रामों में भरे अवैध कच्ची शराब बनाने के लिए रखा हुआ 750 किलोग्राम महुआ लहान जब्त किया गया है। इसकी अनुमानित कीमत 75,000 रुपये आकी गई है।